जय गुरु बाबा, जय धरम धेरी। अपने सबको जन ढेर से ढेर स्वागत बा न्यूज नेपाल टेलिभिजन मार्फत। हरेक अठवारके सोमवारके कलवा जुन 9:15 से 10 बजेसम्म प्रसारण होइन थारू भाषा कार्यक्रम अखबारी मन। मै भिटो अनिल और अस्तैके यी कार्यक्रममे हाम्रे थारू समुदायके बारेमा बातचित गर्छी। थारू समुदायके जनजीवन, कला, संस्कृति, रीतभाट लगायत समग्रमे थारू समुदायके बारेमा बातचित गर्छी और थारू समुदायके मेरमेरके विषयवस्तुमन यही समुदायके मेरमेरके व्यक्तित्वन मनैन बोलाके कहे परल हाम्रो यी कार्यक्रममा बातचित गर्छी। दर्शकबिन, हाम्रो थारू भाषामन थारू समुदायमन एकठो कहावत एकदमै चर्चित रहल बा, पारा लिखा कौने काम हर जोटो धाने धान कना। हाम्रो थारू समुदायके यानि कि हाम्रे ढेर जैसिन कृषि पेसामन बटी बाहिरी दुनियाँसे हाम्रे खासै हाम्रो लगाव नै रहत, चासो नै धरथी हाम्रे। एकर कारणसे हाम्रे राजनीतिक रूपमे, आर्थिक रूपमे कहे परल पाछे परल बटी आओर समुदायके तुलनामन हमार खासै विकास नै होइल हो। मनो एकर मतलब हमार विकास नै होइल कटिकेल विकास गर्न प्रयासमे हाम्रे नै लागल हुइटिकन नै हो। हमार समुदायमे जनचेतना फैलाइकलक, हाम्रहीन कहे परल आहार बहारके समाचार हाल खबर जान पटा पाइकलक, जानकलक, पहिचानकलक, ढेर जैसिन सञ्चारके माध्यम स्थापना करगिल बटै। जेमने मनसे हमार विक्रम सम्मत 2060 सालमन स्थापना होइल पहुरा थारू दैनिक रहल बाबै, जौन हमार विक्रम सम्मत 2060 सालसे पहुरा थारू साप्ताहिकके रूपमे प्रकाशित शुरू करगिल रहे। तब जाके 6 वर्ष पाछे कहे परल विक्रम सम्मत 2066 चैत 31 गतेसे दैनिक प्रकाशन हुइटी आयल हो हमार थारू पत्रिका, पहुरा थारू दैनिक पत्रिका। वस्तुके अब एकर बात करबी कलेसे विक्रम सम्मत 2067 सालमन थारू भाषा ओ पत्रकारिताके विशेष योगदान देहल बापत भाषागत पत्रकारिताके पुरस्कारसे फेर सम्मानित पा सकले बाबा ई पहुरा थारू दैनिक पत्रिका। वस्तुके 68 सालसे नियमित क वर्गमे पर्ची आयल बा और आजु की कार्यक्रममे मै एहे पहुरा थारू दैनिकके सम्पादक प्रेम चौधरी हे कार्यक्रममे निम्टैले बटुँ। उहाँसँग आज हाम्रे पहुरा थारू पत्रिकाके बारेमे और वस्तुके थारू समुदायके बारेमा बातचित करब। आइ उहाँ हिन कार्यक्रममा स्वागत करी। स्वागत बा प्रेमजी। धन्यवाद, नमस्कार। व्यस्तवटी जस मै पत्रकारितामा व्यस्त बाटुमा बा, पहिले से जे होस् मोर सुरुसे 2059 सालसम्म मैले चाहिँ लागल बाटो यिनै थारू भाषाकै पत्रकारिता हो। अभी मैं ओहरे बिकली व्यस्त बाटो, खास से मोर कहुन नै हो यसी व्यस्तता कला से महीन जहाँसम्म लाग्यो थप्ने जब से पत्रकारिता वर रहिली तब से पहुरै मन बटी बीच मन एक आठ एक दुई ठन गिल हुई शुरुआती चरण मन ढेर समय अपने पहुरा में बिटैले बटी बिटाइटी बिटैले बटी खास कारण का पहुरै मन उसी के हेरले से मोर चाहिँ पत्रकारिताको सुरुवात चाहिँ म चाहिँ नेपाली नेपाली पत्रिका चाहिँ सुरु गरेको रहेँ, जुन कञ्चनपुर चाहिँ पब्लिस हुए फारवेस्ट टाइम दैनिकन म उहाँसँग सुरुवात गर्नु। उसके बाद हाम्रो लक्की चौधरी सर रहन् उसी कलेज हाम्रो कैलालीमा लेख्न पत्रकार टिम जे गेल रही कागत उहाँ टिकापुर से गणेश चौधरी, कैलाली से धङ्गडी से लोकबहादुर चौधरी लक्कीजी, अनि यहाँ मयूर टिम जे गेल खास गरी रही। त चाहिँ लक्कीजी कन कि प्रेमजी आए हाम्रो टिन जिकल बाटी बढिया से लेख्न भने त्यो लागि कहिजी कन् मेरो ठिकै बा सर ऐसिन भएको रहेछ मै लागम कहिजी कनु। त उहाँ चाहिँ मै ऊ बेला हाम्रो पहुरा कन लक्कीजीको पत्रिका निक्लिन् यी चाहिँ जुन हाम्रा पहुरा दैनिक भयो यी चाहिँ पहिले दर्ता भएल रहे, त्यही हाम्रो बिचमा स्थगित भएल रहे। त मै चाहिँ मैले लाग्नु त ऐसिन लागल कि जस्तै हाम्रो समुदायके भाषा कला संस्कृति लगायत सब चिजके लेख्दैन मनै उसी कहिन मनै खासै कोही नै रहित। त मैले यसरी लागल कि मै चाहिँ अपन भाषा कला संस्कृति जीवन्त राखौँ, अपन समुदायको लागि योगदान गरि सकम कहिके लागल रहँ। अभिनसम्मकै मै लाग्ने बाटोमा सायद मै दोस्रो फेरि मोर तमान अवसर चुनौती अवसर आयल रहे, मै चाहिँ दोस्रो नै जाएको यहाँ लागल बाटो अभिनसम्मकै। यी पहुराके बारेमा बाटो होइन कैसे सुरुवात गरी पुग्ली अपने कैसे सुरुवात हुली यी एकर सुरुवात चाहिँ हाम्रो पहुरा कन पत्रिका चाहिँ के सुरुवात चाहिँ हाम्रो दिलबहादुर चौधरी इन का इन्सेगमा बेकारात भने राजकुमार चौधरी सरकार नै उहाँ चाहिँ उहाँको कि योगदान हो है। मै चाहिँ मोर खासै यी मे पाछे चाहिँ मै अब
उहाँको जन्मदिनै उसके बाद चाहिँ के के बढैना पढैन यहाँसम्म जान्न चाहिँ मोरजी हाम्रा राम रहित सरबाट नै उहाँकै लखन चौधरी सरबाट नै अब लखन चौधरी सर नै भीमजी लगायत अनन्त चौधरी लगायत हाम्रा तिम्रो उहाँको चाहिँ नै भेटेँ अब दुईजना हाम्रो राम रहित सर आऊ मैबाटी हाम्रा चाहिँ एकर सहित लगानीकर्ता चाहिँ इस्माल चौधरी भेटेँ त्यो यमे चाहिँ पाँच चाहिँ पहिले सुरु सुरुमा हाम्रो चाहिँ थारू भाषा के कुछ नै रहे त हाम्रो चाहिँ भाषा कला संस्कृति जोगाइ परत उसके बाद हाम्रो समुदायमा रहल परम्परा परम्परा रीतिरिवाज फेरि यहाँसम्म समुदायमा नान्ने परत उसके बाद नै मजा हाम्रो कुपर थरा उहीके चिरे परत अब हाम्रो चाहिँ समुदाय आगे बढाइ बटकन हाम्रो मही लागल त हाम्रो उहीसे हाम्रो का गरी लागल रहे अभिनसम्म लग्ले बाटी अब जे होस् यहाँसम्म पुगल बा म सबको जन धन्यवाद दिन चाहन्छु। लक्की चौधरीके लगानी मन सुरुवात करगिल रहे लक्की चौधरीके आऊ ई लक्की चौधरीके लगानी मित्र नै रहे लक्की चौधरी जेके पत्रिका हाम्रो पहुरा हुइन् अब चाहिँ हाम्रो यी पहुरा बनि वा यी फरक फरक का कठै दर्ता हुल होइ सुरुमा चाहिँ यी पहुरा पत्रिका दर्ता हुल रहे पहुरा कना साप्ताहिक रूपमा दर्ता हुल रहे उसके बाद लक्कीजी सायद बिचमा यी पत्रिका फेन लक्कीजी फेर गर्ने यहीमा त लक्कीजी यी पत्रिका बन्द कहिके आफ्नो पत्रिका खोल्ने हाम्रो पहुराका नाम सायद सकुदले बुझ्थेँ कि पहुरा हाम्रो पहुरा सायद सिके नै नै अभिन थिए हाम्रो पहुराको ठाइँ उनी हाम्रो पहुरा अरू पहुरा गर्न अलग अलग हो है हाम्रो पहुराके काका ठाइँ जम्मा चिज लक्कीजीको रहन् अब जुन यी पहुरा भए यी पहुराके संस्थापक सम्पादक हाम्रो संस्थापक सम्पादक ठाइँ दिलबहादुर चौधरी राजकुमार चौधरी भेटेँ पाछे चाहिँ लक्की चौधरीजीके पत्रिका हाम्रो स्थगित गएको जुन सुरुमा लगान सुरुमा काका ठाइँ खुलल रहे पहुरा पहुरा साप्ताहिक कना त्यो उके हाम्रो चाहिँ बिचमा इस्माइल चौधरीको लगानीमा उहाँ चाहिँ लगानी गर्नै उसके बाद कनै सर अपने चाहिँ सम्पादक हुई अपने चाहिँ लागल बाटीमा अपने चाहिँ चलाइ कहीँ कनै त्यो पाछे हाम्रो चाहिँ 2066 साल चैत 30 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरुवात गर्ली अभिनसम्मकै हाम्रो यहाँसम्म पुगेले बाटी बिचमा चाहिँ नेपाल प्रेस काउन्सिल हामीले तरे चाहिँ थारू भाषा कला संस्कृति जोगाएर मजा काम गर्लो कि हाम्रो 2067 सालमा का कठै पुरस्कृत फेरि गर्ले रहे उसके बाद नेपाल प्रेस काउन्सिल 2068 साल चाहिँ हामीले क वर्गमै पर्लस् अभिनसम्म कि क वर्गमा पर्लो हाम्रो पत्रिका जे होस् एकदम का कठै थारू गैर थारू समुदाय चाहिँ हामीले जे होस् प्रोत्साहन मिलल भयो अभिनसम्म सहयोग सल्लाह मिल्ती भयो खास करके थारू समुदाय के कला संस्कृति बचाइकलक वो संरक्षण प्रचार प्रसार करकलक थारू समुदाय के मन है समाचार ढेकलक जनचेतना फैलाइकलक खास मन अपने के ये पत्रिका संचालन में नन लिखे पड़ल हो एकदम एकदम अपने कलक एकदम मजा बात ठीक हो कहे कि पहले पहले चाहिए हमारे चाहिए कोई चाहिए ब्याजदर पढ़ल हमारे थारू समुदाय के बाबू भैया रेट वही कहा कि हम थारू भाषा पढ़े नहीं थी उन्हें चाहिए नेपाली चाहिए पढ़े जाना किराबे पढ़े जाना हाम्रो चाहिँ पत्रिका चाहिँ थारू भाषा मैले कारण चाहिँ परेन जान्न उनी एकछिन पत्रिका दिएका तर उसके बाद चाहिँ पासे प्रति उनी चाहिँ अभिसमको उनके बानी परल बाटिन् अब त्यो संहिता फेरि आइसकल भयो संहिता अहिले पछि चाहिँ सक्कु भाषाभाषी चाहिँ राष्ट्रिय भाषा फेरि कहिसकल भयो थारू भाषा फेरि कहिसकल भए उसके बाद सक्कु भाषाभाषी कहिसकल भए हाम्रो चाहिँ हाम्रो भाषा कला संस्कृतिको बारेमा चाहिँ कुछ हुँदै कि हाम्रो चाहिँ प्रत्येक काका तर तिहार हुलस् उस दिन सिजन अनुसार हाम्रो गीत बास मिलस् ऊ हाम्रो एकदम प्राथमिकता दिलेबाटी अब त कहि सिकल भए काका ठाइँ अब समय बहुत फर्को मार सिकल भयो है अब सामाजिक सञ्जाल आसिकल भए युट्युब आसिकल भए फेसबुक आसिकल भए टिकटक आसिकल भए त मारे अब जे होस् त फेन हाम्रो पत्रिकाकै अलग्गै काका ठाइँ आफ्नै मार्केटबाट सकर जे होस् हाम्रो पत्रिका चाहिँ अब उसीहरूले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो डिजिटलमै फेरि आसिकल बाटी हाम्रो कहीँ पहुरा डट कम अनलाइन भयो है हाम्रो चाहिँ ऊ अनलाइन मार्फत हाम्रो अनलाइनमै पत्रिका फेर जे होस् पिडिएफ फाइल थियो म जस्तो प्रेमजी कागठै हाम्रो यही जोन बटवैली म यी मोर्फे अनुभव हो पढल लिखल भर रहना मन ठारू पढे नै जन्न पहुरै कारणमै फेरि ठारू पढे लिख्न हुनु कहे परल लगभग पहुरा 19 वर्ष बिटासिक्ले यी 19 वर्षकै दौरान मन पहुरा पत्रिका का करल जस्तै लागत समाजके लग थारू समुदायके लग उसीके हेरले चाहिँ अब पहिले त काका ठाइँ कुछ नै रहे उसिन काका ठाइँ जस्तो
गीत बाँच ही पहिले खासै पहिले पुरान पुरान जसिन पुरान पुरान गीत बाँस किल मतलब उसिनमै किल रहे तो हमने चाहिए पत्रिका में तमाम गीत बाँस नन ली उसके बाद का हमारा का कहीं हमारे उसिन पुरान जैसे हमार तमाम अब राजनीति कालखंड हेरले हेरबी कल से अब का कहीं सशस्त्र दंड काल आयल उसके बाद कोरोना आयल इसके बाद ये होने आयल तो मन चाहिए अब हमार भाषा कला कहाँ हो किसिन हो मतलब विषय लगल थी उसके बाद तमाम जन फैन अपन हमार भाषा सीख लग हमारे जस्ते अब सुदूरपश्चिम हेरबी कल से तमाम सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय में थारू समुदाय के मानी बटे तो उसे चाहिए भाषा सीख लग अब भाषा सीख लग चाहिए हमार पत्रिका मैंने पढ़ित हमार पत्रिका कहाँ कर ले कल से अब हेरबी तो अब जो हो थारू भाषा फिर मान्यता 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 पाए पाए बट गई सब कुछ ने भाषा सीख ले भाषा सीखने काम कर ले भाई जस्ते अब अबे के युवा हेरबी कल से तमाम जने चाहिए अब का कहीं हमार थारू भाषा की मतलब शब्द विषय लागल बाटे उ शब्द है चाहिए अबे अब अभी सम के जीवंत रखना काम काम कर ले भाई शायद पाछे सम करी मई लागत ठीक है अब हेरबी तो हमारे फिर पुरान पुरान जस्ते हमारे पुरखाओगन के ठेठ शब्द नहीं निकल सही हमारे कहीं ई शब्द का होते अब तो युवा चाहिए अब नेपाली बोलना इंग्लिश बोलना करते हैं उसके बाद पुरान शब्द है नहीं जानना उसके बाद हमारे पुरान गीत बाँस असीम फैन रहे है कि कना फैन लागल बाटी उ चाहिए हमारे चाहिए पत्रिका मार्फत पत्रकारिता मार्फत हमारे उसके जीवंत रख ले जीवंत जीवन काम कर ले बाटी अभिनसम के है लगभग अपने पोखरा मन 15 वर्ष से पुगटा काम करत एकदम पुगटा ये 15 वर्ष के दौरान मन पोखरा संग संबंधित को कुनो नहीं बिसराई सकना छेन कुछ घटल घटना कुछ बा उसी कल से अब पत्रिका है जैसे हमार अब मैं तो संपादक के रूप में काम कर ले बैठू संपादक से तरफ है और फिर काम कर रहे उसी के हमार ऑपरेटर जी ऑपरेटर रहें उसके बाद पत्रिका वितरक मार्केटिंग रहें उसके बाद हमारे क्या कहते हैं तमाम रह मई से ही अब एकदम नई विषय नई विषय सीखना इनमें से ही मोर छेन कर पहले से ही हमार क्या कहते हैं एक ऑपरेटर रहें ऑपरेटर से ही एकदम नहीं याद नहीं बस बाद से मैं चाहिए अब मार्केट में पत्रिका जो पुगाई पड़ना उसके बाद मैं हल्का फुल्का का कहीं सेटिंग भी सीख ले रहूँ अब सेटिंग सीखना क्रम में थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ा मिस्टेक आयल बाद से मैं चाहिए कंप्यूटर है चाहिए क्या कहीं पत्रिका निकाल के लिए चाहिए मैं बेरी खा के काम करूँ बिहान के 4 बजे से सीखल मोर क्या कहीं एक एक उसी घटना भाई उसके बाद चाहिए अब हमार तमाम कालखंड में पहले तो क्या कहीं अब सुदूरपश्चिम में चाहिए अखंड सुदूरपश्चिम थरोट के आंदोलन हुईलस उ बेला चाहिए हमरे का कहते हैं थोड़ा नहीं मदद थे वो साइड मोर फिर अभिसरणेशन हो उसके बाद चाहिए अब मई पत्रिका है जोगा लग अपन बच्चा हाँ का कहते हैं पत्रिका है जोगे ले बैठूँ अपन 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 घर के परिवार है जटा टाइम दिन हूँ वोटा मई पत्रिका है दे ले बैठूँ ये चाहिए अभिसरणेशन हो अभी पहुरा ठारू पत्रिका दे गठी ठारू भाषक मुन हेरबी कले से हमार ठारू के फिर ढेर जिसमें भाषिका रहल बा ठाउ गाँव गाँव मन टोल टोल मन यहाँ की एक घर से और घर से फिर फरक फरक ठारू भाषा बोल थे ये समय में अब ठारू मानक भाषा नहीं बनल अवस्था मन अपने के कौन हिसाब से पत्रिका मन लिखती कौन भाषा लिख देती ठारू मन फिर उसी के हल्ले से चाहिए हमारे चाहिए अक्के तो हमारा हमारे जस्ते हमारे जोन भाषा यहाँ बोलती वही भाषा लिखती हमारे खास करके यहाँ हेर बेटा अब देवखर देवखर आओ डांग देवखर के बारे में नहीं तो वहाँ से खास करके अब उसी के हल्ले से खास से जस्ते हेरे बल्ला हमारे अक्की भाषा लिखती उसी के अब हमारे बीच में फैन मानक भाषा बनाए बैठ गई कि हमारे बीच में अभिन फैन सरफर चलती बाई उसके बाद बाद विवाद हुई अभिन सम चलती बाई तो हमारे से ही लिखे बेला चाहिए अब हमारे का कहते हैं देवखर की भाषा लिखी उसी के देवखर की भाषा जो देवखर से यहाँ से बोल जाए उसी के अब डांग में का कहते हैं दूसरे भाषा बोलते हैं तो हमारे देवखर की भाषा लिखती आयल बाटी उसके बाद हमार पहले फिर मैं कल रहूँ कि यदि मानक भाषा में का कहते हैं हमारे पूर्व सम पूर्व मोटे हमारा लागू नहीं बीट खास हमारे डांग से हमारे पश्चिम के लागू बीट तो पश्चिम में चाहिए मानक भाषा मतलब कौन मैं उसी के तो मानक भाषा बना बनू के फिर मानक भाषा में फिर थोड़े से फर्क भी से मतलब तो बीच में सब कुछ सलाह कहकर एक तो क्या कहते हैं थारू थारू आए फिर एक बार सलभ के लिए रहे उसके बाद हमारा भारी भारी लक्की जी भी नहीं सरभारी जी भी नहीं क्या कहते हैं उमर छविलाल कोपिला लगाए भारी भारी सोम जी लगाए सब कुछ से सलभ ले रही एक बारे में तो अभी सब निचोड़ नहीं लग कारण से हमारे फिर में सही थोड़े से डोढ़ारे बैठी कैसे लिखना गए क्या मैं सामान्य सामाजिक संजाल में लिखी है मन ही ठारू भाषा मन
थार भाषा कबु खाल लिख्ठु कहे परल त्यो मिहिन ढेर जैसिन दुई पक्षके मनके म्यासेज आइट फोन आइट ऐसे काहे लिखले ऐसे त नै हुई पर्न हो त ऐसे काहे लिखले खासमन हमार यी जो आगन्तुक भए शब्द रहल बा वही यमने और हमार मौलिक शब्द रहल बा यी त और ट कना यमने फरक परे लागत त्यो मिहिन कहे पनि दुनोर से गाडी मिले लागत अपने के समस्या झेल्ले बटी कि नै झेल्ठी कि नै कत्र उसिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ खासै नै आएर सिकेँ हाम्रो चाहिँ चपरिटा लेख्थ्यो सिकेँ त यसमा चाहिँ हाम्रो खास गरिके जुन आगन्तुक शब्द आयो जुन नेपाली भाषा चाहिँ ओमे चाहिँ हाम्रो काका ठाइँ पाठक लोक चाहिँ नेपालीकरण हुल्कै जिएको ठाइँ अब बहुत जसिन हाम्रो काका ठाइँ कबु कोनो कोनो बेलामा लिखे बेला हाम्रो चाहिँ नेपाली फेन काका ठाइँ समाचार पठाइ थिएँ हर त ऊ लिखे बेला कबु कबु हाम्रो ऊ के उल्टा गरे बेला हाम्रो थोरै मिस्टेक हुस् सिकट त हाम्रो चाहिँ ओमे वैसिन समस्या आयल बा न कि हामीले खासै वैसिन समस्या अभिन सम्म आयल हो अभि पोहरा ठारू जुन दैनिक रहल बा है अब ढेर जैसिन भने हामीले फे अशुद्ध ढेर लिख दे ठैकन गुनासो आइट नेपालीकरण हुइल अब भर्खर अपने कली नेपाली शब्द ढेर प्रयोग कर दे ठैं और जोन हमार गाउँ ठाउँमै हुइन घटना बा समाचार बा ऊ नै आई सेकल कना फे सकोर पोहरा सबको ठारुन समेटे नै सेकल ठोकना फेन गुनासो गर्थेँ छे अब हेर्ले से अब्बे अवस्था हेर्ले से हाम्रो चाहिँ रिपोर्टर हाम्रो कम हो सकल बाटी अब चाहिँ काका ठाइँ जुन छापा मिडिया बा ऊ छापा मिडियाके जे होस् अब आवश्यकता कले से फेन आवश्यकता कले से फेन अब जुन सामाजिक सञ्जाल आसिकल युट्युब आसिकल फेसबुक आसिकल लगायत टिकटक आसिकल एकर कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो एसिन छापरले कि हाम्रो कैलाली कञ्चनपुर से लेके उहाँ बाँकी बर्दिया नेपालगञ्जसम्म पत्रिका हाम्रो जायो सिके अब चाहिँ हाम्रो सिके भौतिक रूपमा हाम्रो पत्रिका जायो अब त हाम्रो अनलाइनै पर्थ्यौँ सिके त काका ठाइँ पत्रिका जाए बेला चाहिँ अब अपने कली जस्तै अब कि सकेको ठाउँ समेत नै सिकट अब हाम्रो पाइल अब काका ठाइँ हाम्रो जुन आयल हाम्रो ठाउँ आयल म्यासेज हाम्रो पट्टा पाइल जति हाम्रो लेख्थ्यौँ सिके सिकट चाहिँ हाम्रो सकेको काका ठाइँ कभर गरेर खोज्थे अब कोही कोही छुट्टै सिकट लेकिन हाम्रो चाहिँ अब कोनो भाषा है कोनो समुदाय है कोनो कोही हाम्रो नै छोड्थ्यौँ सिके काहेकि हाम्रो पत्रकार डाके काका ठाइँ एकठो धर्म भयो कोही है भेदभाव नै गर्न सक्कु जन समेट के लिदिन उसके बाद सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार लेख्न आउँ कि हाम्रो पत्रकारिक धर्म हो हाम्रो चाहिँ भाषा कन ठार भाषिक हो लेकिन हाम्रो कुनै समुदाय हे उसी कि हाम्रो भेदभाव नै गरेको हाम्रो चाहिँ सक्कु समेट्न कोसिस गर्ने बाटी अब कोही आठ सायद नै यसै ठुलो न्युज उसिके अब कलेक्टर हाम्रो अब हाम्रो त फेक थिए जे होस् अपनी के फेन जे होस् अपनी के गाउँ ठाउँमा कुजो सिन घटना भएकोले चाहिँ खबर गरी हाम्रो चाहिँ अपनके रहल घटना उसके बाद अपनके रहल समस्या हाम्रो एकदम हाम्रो मिडिया मार्फत हाम्रो कहाँ गरेर सिकब उही हाम्रो एउटा प्रयास समेट्न प्रयास गरब कि हाम्रो काका ठाइँ सकुन से अर्जी गर्थे अब पासिफिक करब गर्न मोर हो कोही छुट्टे सिकट अब छुट्टले चाहिँ फेरि मतलब पाँचै खबर कहिले हो उसिन समेटिसक्ने कहिले चाहिँ हाम्रो अरू दिन फेरि समेटिसकब कि हाम्रो कठिन एक समय रहे पोहरा कटिकल बढ़िया नाम चलल रहे अपने के जौन बगाल रहे टीम रहे फिर बढ़िया रहे बीच में टिटर विटर फिर हुई अब वे खास ही जगजगी नहीं देख मिल रहे पोहरा खास कारण का हो अब तक का कहते हैं ऐसी फिर हो सकल पहले के जमाना में का कहते हैं एक ठो का कहते हैं गाँव घर में पहले सादा टीवी हुई से सब कुछ नहीं हेरे अब तो क्या कहते हैं रंगीन आसिकल ठाँव ठाँव में अब मोबाइल में फिर टीवी हेरे एफ एम सुने सब कुछ नहीं हो सकल पहले रेडियो के जमाना रहे अब तो क्या कहते हैं ऑनलाइन फिर आसिकल भाई तो हमारे टीम का संग्रहण फिर अलग अलग मीडिया वहाँ की बाटिन पहले से हमारा पौरा से जन्मायल मध्य पत्रकार बाटें उम्र से चाहिए अब हेरले से जम्मा जाने कैलालीको जत्रा पत्रकारबाटै सक्कु जाने सायद मैले लागत पौरसे आबद्ध ऋण सिके आबद्ध ऋण उहाँ कन्के जम्मा जाने अलग अलग मिडियाबाटै त मार अब जोन मेरके अपने कलि उत्साह रहे अब त उत्साह त उसिन खासै नै हो तपाईँ मैले का कठै सक्कु जाने हाम्रो इन्भल्भ अब कुसो कार्यक्रम हुँदै छ फेरि हाम्रो सक्कु जाने सँगै उठी हाम्रो चाहिँ पौरा जगाए भट्काना सक्कुनके भावना भटिन् उसिके हाम्रो एक ठाउँमा नै हुँदैछ फेरि अलग अलग ठाउँ चाहिँ काम गर्थ्यो उसिके त उहाँ के फेन जो पौरामे योगदान बटिन भिन्नसम्मके सहकर्तीबाट भिन्नसम्म पौराकी चुनौती काका देख्ले बटी काका बाबा काका भोगटी अब चाहिँ काका ठाइँ जुन
जुन अब कोरोना पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम हाम्रो समस्या एकदम धेर भर है कोरोना पछि ग्राहक घटलबाटै उसके बाद विज्ञापन दाता फेरि घटलबाटै उसके बाद हाम्रो यी भाषा कला संस्कृति लेख हाम्रो जुन पत्रिका निकटीबाट पनि हाम्रो लगभग 22 वर्ष हुसेको जम्मा मिलाएको त काकठै अब पाछेसम्म यी पहुरा पत्रिका रहेकी नै रही एकरो ठाडो भाषाके काक नेपाल अधिराज्यभरिमा हेर्बी कलेसे नेपालभरिमा एक ठो ठाडो भाषाके पत्रिका पहुरा कना भए दाङ हेर्बी कलेसे एक ठो अग्रासन कना भए काकठै लव अग्रासन उहाँ ओकरे निकट हैँ कैलाली से हाम्रो पहुरा पत्रिका निकट थी हाम्रो चाहिँ दैनिक पत्रिका हो उहाँ चाहिँ दाङ से निकाले बेला निकाल्न अग्रासन पत्रिका सप्ताह निकाले बेला अप्ठ्यारो पठिनु उहाँ त हाम्रो दैनिक पत्रिका निकट थी यसमा चाहिँ खर्च एकदम ढेर भयो हाम्रो अब छपाई खर्च हाम्रो काकाठ 15,000 आइट छपाई खर्च उसके बाद हाम्रो कागज खर्च कलेज से हाम्रो महिनाके 35-40,000 आइट उसके उसके बाद जम्मा मिलाए लोके हाम्रो लगभग 1.5 लाख जत्रा हाम्रो काकाठ 1.5 लाख हाम्रो मासिक खर्च आइट उसके अब पछि हाम्रो विज्ञापन दादा घटलबाटै पछि पत्रिका रहिकी नरिकन हाम्रो अब डर भएपछिके अब नरिकले चाहिँ पछि चाहिँ अब सक्कुजने चाहिँ अब किताब पढ्न मनै घट्टीबाटै पत्रिका पढ्न मनै घट्टीबाटै पछि चाहिँ हाम्रो संस्कृति कला संस्कृति मतलब जान्न सुन्न मनै मतलब पछि घरजीकले चाहिँ हाम्रो दस्तावेजीकरण नै हो कि जस्तै मै डर भएपछिके सेकेन्डसम्म हाम्रो अब निकार पत्रिका है अब हाम्रो चाहिँ जीवन्त राखब हाम्रो जुन पहुरा पत्रिका रहल भा भाइ अबैके डिजिटल युग भा भाइ सामाजिक सञ्जाल व्यापक रूपमा चल्ती भा मनै पत्र पत्रिका फरक छोड देले बटै यी अवस्थामन अब पहुरा ठारु दैनिक आगामी दिनमन कैसिन रही एकर भविष्य का देखटी अपने योजना का बनैले बटी अपने के काय गठै अब डिजिटल युग आसेकल भा ओमै फेन हाम्रो धीरे धीरे हाम्रो फेन कुछु जस्तै अब बिचमा त हाम्रो चाहिँ पहुरा मिडिया प्रणाली फेन स्थापना गरियो अभिनसम्म पल्ली बाबुमा त यी के चाहिँ यहाँ हाम्रो सोच कार्यको जस्तै पहुरा मिडिया प्रणाली चाहिँ हाम्रो काका चाहिँ एक ठाउँ हाम्रो एफएम फेम खोल्न उसके बाद हाम्रो टिभी फेरि चलाइनको हाम्रो सोच रहे टेलिभिजन चलाउन सोच रहे मैले हाम्रो चाहिँ टिममे ठोर चाहिँ नै मिल्ला टिमको सँग जाके हाम्रो चाहिँ गर्न सिक्ली उसके बाद हाम्रो अनलाइन अब हाम्रो काका चाहिँ पहुरा.com हाम्रो अनलाइन भयो है अब हाम्रो पत्रिका नै नै रहेछ फेन हाम्रो चाहिँ ठाडो भाषा कि पहुरा.com का नाम अनलाइन भयो उही के हाम्रो जीवन्त राख मैले लाग अब सक्कु पत्र पत्रिकाके काकाठ मार्केट बेसी घट्टी गेल भयो है सायद मैले लाग पाछेसम्म यी पत्रिका सायद छापा माध्यम सायद नै रहेछ अब कहाँ कि पहिले सेहरबाट मार्केट घटल भयो उसके बाद पढ्न मने घटलबाटै अब सक्कु काकाठ सञ्चार माध्यमके आफ्नो आफ्नो अनलाइनबाट हाम्रो फेरि अनलाइनमा जा सकलबाटी मनै हाम्रो काकाठ अनलाइन पहुरा.com का नाम अनलाइन भयो हाम्रो अनलाइन चाहिँ अमेरिकासम्म कि मनै पर्थे हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपाल चाहिँ गेलमा नै हाम्रो कैलाली जिल्ला चाहिँ गेलमा नै नेपाल अमेरिकामा चाहिँ पर्थे हाम्रो यहाँ प्रतिक्रिया चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँ के काका ठाइँ हाम्रो यी अनलाइनमा काका ठाइँ समाचार पढे मिनट उसके बाद पत्रिका पनि हाम्रो अपलोड गरेको थियो पिडिएफ फाइल ऊ चाहिँ हाम्रो पहुरा.com हाम्रो आइट हो त पाछैमा लागत पत्रिका नै रहेकोले चाहिँ हाम्रो अनलाइन मार्फत हाम्रो अनलाइन हाम्रो पाछेसम्म के जीवन रहेछ अनलाइन साइट कब नै बन्द गरेर अनलाइन मार्फत अब जैन समय सापेक्ष हजुर हाम्रो योजना चाहिँ उयो भयो अब सेकेन्डले पछि हाम्रो अब रेडियो फेक खोल्ला मैले रेडियो सेफेन अब काकाठ सामाजिक सञ्जाल आसेकल उसके बाद काकाठ रिल आसेकल युट्युब आसेकल टिकटक आसेकल यीमा चाहिँ एकदम चुनौती भयो अब जोगा जोगे नै के भयो काकाठ मनै ढेर लम्बा समाचार भारी भारी समाचार नै पढ्न लेख नै पढ्न अब युबाट झन् छोटो काकाठ छोट जम्मा 10 मिनटके 5 मिनटके समाचार पढ्न उसके बाद भारी भारीहरूले चाहिँ थोरा फरकै ढङ्ग हुसेकल भयो त पहिले मैले चाहिँ अब मनपरे थिएँ उसी पढ्न जुन हाम्रो पुराण पुर्खाबाट नै मतलब ऊ चाहिँ हाम्रो पुराण कला संस्कृति कहाँ हो कसिन हो ओकर बारेमा उहाँको नि कि एकदम खोजमूलक लेख्दै हो कि दस्तावेजीकरण कहिले हो कि त हाम्रो चाहिँ अब अनलाइन मार्फत फेरि हाम्रो अनलाइनमा फेरि हाम्रो तमान शीर्षक ढल्ले भाटी ऊ शीर्षकमा चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति है पछि दस्तावेजीकरणमा ढारप गर्न हाम्रो सोच भयो है अब बाट उठा ढल्ले युवनके अबके अवस्थामा हेर्बी कलेसे युवा मैले पत्रकारिता रोक्नु नै लागल देख मिलत हामीले चाहिँ ठाडो समुदायकै आर नै यी खास कारण कहाँ जस्तै लागत अपने एक पत्रकारमा नै फेरि थिए ठारू समुदायमा ढेर भिजल भटी झेर घुम्ले भटी त्यही खासमा नि ठारू पत्रकार जन्मिक छोड देले भटै कहाँ जस्तै लागत अपने कारण कहाँ अब हेर्ले चाहिँ पहिले फेरि हाम्रो ठारू पत्रकार कम रहेछ क्या पहिले फेरि कम रहेछ
हाम्रो चाहिँ अब थारू समुदाय पहिले चाहिँ काकाठै राजनीतिक राजनीति हाम्रो फेरि कम रहेपछि के चासो कम ठहरना हाम्रो चाहिँ खास गरिकन हाम्रो थारू समुदायकी काबाले चाहिँ खेतीपाती कहिके आफ्नो टर्ने फेरि कहिसक्ली काकाठै टर्ने फेरि सुरु आफ्नो कहिसक्ले कि कोनो काम धम्किसकल बाटी उस्तै हाम्रो अभ्य हो पहिले पनि कार्य जस्तै अब पोलिटिकलमै बहुत कम रहे थारू समुदाय अब बिचमै थोडा लागल बाटै उसके बाद उसीकै फेरि काकाठै पत्रकार रहर फेन पहिले फेरि थारू समुदायकी बहुत कम रहेँ बिचमै ठोर चाहिँ धेरै हुने मै चाहिँ अब नेपाल पत्रकार महासङ्घकी जिल्ला सचिव भेटौँ काकाठै थारू पत्रकार सङ्घमा मै थारू पत्रकार सङ्घकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष चाहिँ भेटौँ त यसै खेरबिकले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कैलाली मिकिल पहिले 70 पत्रकार रहे अब पहिले रहे अब चाहिँ घर घर हेरबिकले चाहिँ अब जम्मा सक्रिय पत्रकार हेरबिकले चाहिँ जम्मा 15-16 जस्तै कम हुँ सायद पहिलाका ठुसिका नेपाल पत्रकार महासङ्घमै क्रिएस मतलब सदस्य पहिलाको अब पुरानो चाहिँ 18 रहेँ सुरु 18 उसके बाद अब 5 लाग पहिलेबाटै बिचमा चाहिँ पत्रकारिता गर्न फेरि छोड्दैन उसके बाद चाहिँ उनके चाहिँ शुद्धिकरणमा जाके अब कम हुँटी गेलबाटै मैले एउटा काहे कम हुने त अब खास गरिक युवाहरूको चासो नै हो पत्रकारिता अब गैर गैर थाहा नोकरी चाहिँ अब अरू पत्रकार चाहिँ अब ढेर मनै हाम्रो चाहिँ रहल पत्रकार फेरि खासै पत्रकारिता हो खासै चासो देखाल नै देख्छ रहेछ क्या टमारे घटलबाटै अस्ति हुने चाहिँ मैले लाग कि अब पाछ चाहिँ कैलाली जिल्लामा सायद 9-10 पाछ त सायद उही रहेँ एक गएको ठाउँ लगभग 10-12 जस्तो ढेर नै रहेँ मैले लागेको नेपाल देशभरि नै कैलाली जिल्लामा उसी सक्कु जिल्लाको अस्ति भाइ कञ्चनपुरको हेभी कलेज चाहिँ कञ्चनपुर फेरि उही हाल है कञ्चनपुरले फेरि मतलब मै चाहिँ अर्जुन से बाटो हेमन्तजीबाट हाम्रो उहाँके सक्रिय पत्रकार उसके बाट अर्जुनबाट ढेर नै गरेँ उहाँ कञ्चनपुर फेरि जम्मा गएको ठाउँ 6-7 जे हुँ सक्रिय पत्रकार अब खासै नै हुँ ढेर पत्रकार त कैलाली फेरि उही हाल हो अब अब हाम्रो लक्कीजी काठमाडौँ गइकन उहाँ चाहिँ सक्रिय रिट उसके बाद हाम्रो गणेश चौधरीजी अब काका ठाइँ पोलिटिकलमा लाग्यो अब जानकी गाउँपालिका के काका ठाइँ अध्यक्ष बताएँ हाम्रो अरू जसले फेरि मतलब पत्रकारिता चाहिँ बिलान हुँदै हाम्रो चाहिँ अब पत्रकारिताहरूकोले चाहिँ अब सक्रिय रूपमा नै लाग्यो चाहिँ उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर हो कि चाहिँ उहाँको चाहिँ दोस्रो पेसा हो र गएको कारण चाहिँ अब हाम्रो कम हुल बाटी मतलब पत्रकार बनके आर्थिक रूपमा पैसा कमाइ नै सक्ने अवस्था हो अब उही अनुसार काम गरे पलस खटे पलस उसके बाटो हुजैत अब मनै पत्रकारिता गरे फेरि धेर प्रगति गर्ले बाटै चाहिँ खासै चासो नै दिएको कारण चाहिँ उहाँको चाहिँ अपन जुन कमाइ सक्ने अवस्था मतलब भयो ऊ चाहिँ कमाइ नै सके चाहिँ उहाँको यी पेसा छोडके दोस्रो पेसा हाम्रो गएलक अवस्था भयो अब ठिक हो प्रेमजी यहाँके पोखराके बारेमा बटुवा डेली एकदमै हाम्रो पोखरा ठारू नै निकाल हाम्रो गौरवके बाट हो एकर उन्नति प्रगति हुए अपने के हुए हाम्रो कार्यक्रममा आने धेर से धेर धन्यवाद धन्यवाद मै फेन काकाठै न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रसारण केन्द्र मे काकाठै आके अपन बात राखलक अवसर दिली ओकरा लागि धेरै धन्यवाद भयो अपने लगायत हाम्रो पुरा टिम है मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु काकाठै एकर प्रगति हुँटी जाए सक्कु भाषा भाषी सक्कु समुदाय समिति जाए कन्न मै आशा लिएले बाटु अत्रिकटीमै बिदा छु धन्यवाद दर्शकबिन आज हाम्रो कार्यक्रममा रहेँ पहुरा थारू दैनिकके सम्पादक प्रेम चौधरी दर्शकबिन हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरमै एकैठो थारू राष्ट्रिय दैनिक परल पहुरा रहल भावै जौन धनगढीके कैलालीके धनगढीसँग प्रकाशन वितरण हुइटी रहल भावै दर्शकबिन हाम्रो थारू समुदाय वस्ते फेन हाम्रो के परल अपने दुनियाँमे रमैना अपने दुनियाँमे हेराइल समुदायमे पर्थी बाहिरी बाटसे हाम्रो खासै चासो नै देठी ओम्ने मनसे फेरि हाम्रो जुन पहुरा थारू दैनिक रहल भावै थारू समुदाय सचेत करैन जनचेतना फैलैना अटैकिल नै थारू समुदायके कला संस्कृति रीत भाटके संरक्षण सम्वर्धन प्रचार प्रसार फेरि करती आयल भावै एकदमै बढिया काम करती आयल भावै आओ बिचमा जान अनजानमै कुछ कमी कमजोरी गल्ती होइल अपने ठाउँमै बा मन एकदमै बढिया हाम्रो थारू समुदायके समग्रमै उत्थानमै बढिया काम करती आयल भा पहुरा थारू दैनिक पौरा थारू दैनिक है धन्यवाद देटी आजुकलक थारू भाषा कार्यक्रम अखुआरी आजुकलक कट रही और अठवार के सोमवार के कलवा जुन 9:15-10 फेन से भेट हुई ना बाछा करती मैं अनिल फेन विदा हुई टू जय गुरु बाबा जय धर्म धेरी